देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की आईएनएक्स केस में पुलिस हिरासत गुरुवार यानी 5 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। पुलिस हिरासत बढ़ने से अब चिदम्बरम को तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिदम्बरम सीबीआई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं और अगर सीबीआई कोर्ट जमानत की याचिका खारिज कर देती है तो मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पी चिदम्बरम पूर्व वित्त मंत्री से जुड़ी हुई। और चंद्रयान 2 पर इसरो को एक बड़ी कामयाबी मिली है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक अलग हो गया है। दोपहर 1:15 पर लैंडर विक्रम ऑर्बिटर से अलग हुआ। विक्रम ही चांद की सतह पर 7 सितंबर को उतरेगा और अभी लैंडर विक्रम को लेकर जो तमाम जानकारियां हैं वो पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन ये लम्हा भारत के लिए गर्व से भर देने का है। तो चंद्रयान 2 पर इसरो को बड़ी कामयाबी मिली है, एक पड़ाव और आगे बढ़ गया, ऑर्बिटर से अलग हुआ है लैंडर विक्रम। और आपको बता दें, इस विक्रम को 7 सितंबर को जो तस्वीरें आएंगी, जो जानकारी आएंगी वो बहुत महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि 7 सितंबर को चांद पर उतरेगा विक्रम। और चंद्रयान 2 पर ये इसरो की नहीं पूरे भारतवर्ष की कामयाबी है जिस पर सबको गर्व है। और दिल्ली के पौश इलाके ग्रेटर कैलाश में 91 साल के रिटायर्ड अधिकारी कृष्ण खोसला का उनके ही घर नौकर ने अपहरण कर लिया। किशन नाम के नौकर ने बुजुर्ग कृष्ण खोसला और उनकी पत्नी को पहले बेहोश किया और फिर इसके बाद किशन ने बुजुर्ग कृष्ण खोसला को फ्रिज में रखकर अपने 5 दोस्तों के साथ अपहरण की वारदात को अंजाम दिया। बुजुर्ग कृष्ण खोसला के गार्ड ने बताया कि अपहरण की वारदात को एक छोटे टेम्पो में अंजाम दिया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें आरोपी नौकर और बुजुर्ग की तलाश में जुट गई हैं। सात 55 पे मैं आया, मैंने बोला भाई हैंड ओवर कर, मैं जा रहा हूँ। तो सुबह जैसे मैं ड्यूटी पे आया, उसने बताया जी फ्रिज ले गए। मैंने कहा तुमने मालिक को बताया? कह रहे नहीं, ना नंबर नोट करा मैंने, ना क्या नाम उसकी कैमरे पे वो उस पर भी क्या नाम नज़र नहीं डाली, गाड़ी नंबर भी नहीं बताया। कितने लोग आए थे? क्या टेम्पू लेकर आए थे क्या? 6 एक हाँ छोटा हाथी जो होता है वो लेके आए थे और 6 आदमी बता रहा था। राजधानी दिल्ली के बेहद पॉश इलाके जीके पार्ट 2 में M75 में एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग हुई है। ये किडनैपिंग की वारदात शनिवार शाम को हुई है जब किशन नाम का जो नौकर था, जो सरिता बिहार का रहने वाला है और मूल रूप से बिहार का है, यहाँ पर जो किशन घोसला है 91 साल के और जो उनकी पत्नी है सीनियर सिटीजन, यहाँ पर अपने नौकर के साथ वो रहती थी। नीचे तमाम जो दूसरे किरायेदार हैं वो रहते हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार शाम का 6:30 जो नौकर है उसने, जो दोनों बुजुर्ग दंपत्ति है उन्हें चाय पिलाई जिसमें चाय में कोई नशीला पदार्थ था, जिसके बाद दोनों बुजुर्ग दंपत्ति बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब जो महिला है उनकी नींद खुलती है अगले दिन सुबह 5 बजे, तो वो देखती हैं कि उनके पति जो हैं किशन घोसला वो घर के अंदर नहीं है, जिसके बाद 8 बजे दिल्ली पुलिस को इस घटना की सूचना दी जाती है। जो उनके बेटे हैं जो दिल्ली में रहते हैं वो 8 बजे दिल्ली पुलिस को 100 नंबर PCR कॉल करते हैं और जब PCR की टीम यहां पर, दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंचती है तो एक फुटेज उससे नज़र आता है जिसमें एक जो एक 3-व्हीलर गाड़ी है उसमें करीबन 4 से 5 लोग होते हैं और एक फ्रिज को घर से ले जाते हुए नज़र आते हैं। शुरुआती जानकारी ये मिली है कि फ्रिज के अंदर ही किडनैप करके जो बुजुर्ग शख्स हैं उन्हें ले जाया गया है। इस पूरे मामले में कई टीमें जो हैं वो दिल्ली के अलग अलग जगहों पर, इसके अलावा बिहार में रेड कर रही हैं। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पूरी जो किडनैपिंग की वारदात है उसे किस तरह से अंजाम दिया गया है, क्योंकि काफ़ी बेहद हाई प्रोफाइल इलाका है। सरकारी कर्म अधिकारी थे जो दोनों सीनियर सिटीजन हैं और उसमें जो 91 साल के कृष्ण घोसला हैं उनकी ये बिल्कुल एक अजीबोगरीब तरीके से किडनैपिंग हुई है कि फ्रिज में उनको रख के किडनैप करके यहाँ पर एक गाड़ी आती है और यहाँ से फरार हो जाती है। फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की टीम है आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर मौजूद है। फॉरेंसिक टीम अभी अंदर गई हुई है, कई टीमें जो बना दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि कुछ क्लू मिले हैं जिससे कि जो आरोपी किशन है उसकी तलाश की जा रही है, उसका वेरिफिकेशन भी किया गया था, लेकिन बेहद पॉश इलाका है और यहाँ पर अगर एक तरीके से एक नौकर किडनैपिंग की वारदात को अंजाम देता है तो सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े होते हैं बुजुर्ग दंपत्ति के। फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है ताकि इस हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। अब तक हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि जो बुजुर्ग हैं वो किस सूरत हाल में हैं, उनको क्या कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया है जो नौकर और जो बाकी लोग थे उन लोगों ने। कैमरा पर्सन अखिल के साथ आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।
और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद तिवारी जुड़ रहे हैं। आनंद, सबसे अहम सवाल ये कि 45 घंटे से ज्यादा हो गया है इस बुजुर्ग के अपहरण को हुए, क्या किसी तरह का रैंसम कॉल या किसी तरह की जानकारी इस किशन नाम के नौकर के बारे में? जी देखिए, बिल्कुल, राजधानी दिल्ली में ये बेहद ही हैरतअंगेज करने वाली वारदात है कि फ्रिज के अंदर किसी बुजुर्ग शख्स को किडनैप करके ले जाया गया हो। इससे पहले शायद ऐसी कोई वारदात दिल्ली में नहीं हुई होगी। यही पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उसको पकड़ा जाए। अभी पुलिस ये भी साफ नहीं कर रही कि जो बुजुर्ग शख्स हैं जिनका किडनैप हुआ है वो किस सूरत हाल में है, क्योंकि 91 साल के थे। पहले उन्हें नशीला पदार्थ पिलाया गया चाय में मिला के, उसके बाद उन्हें फ्रिज में रखे किडनैप करके ले जाया गया। यहाँ पर तमाम बड़े बड़े कोठियां हैं करोड़ रुपए की, लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि तमाम लोगों के घर के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो खराब पड़े हुए हैं, इसलिए पुलिस को कुछ ज्यादा क्लू नहीं मिला। एक सीसीटीवी फुटेज से केवल पुलिस ये सुराग लगा पाई है कि एक शख्स जो है वो फ्रिज के अंदर चार पांच लोग उसे गाड़ी के अंदर रखते नजर आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि देर शाम तक जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी का पुलिस खुलासा करेगी, लेकिन अब तक पुलिस ने यह साफ नहीं किया है कि जो बुजुर्ग हैं वो किस हालत में हैं, क्या उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया है। ये जो आरोपी है इसकी पहचान पुलिस ने कर ली है, किशन नाम इसका है और ये सरिता बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। मूल रूप से बिहार का है और एक साल पहले ये बुजुर्ग दंपत्ति इनके घर पे ही है। सीनियर सिटीजन की सुरक्षा को लेकर आनंद बहुत तरह की गाइडलाइंस है, लेकिन क्या आपको लगता है इस घटना के बाद इन गाइडलाइंस को लेकर वो संजीदगी ना तो पुलिस की तरफ से ना वहां पर रह रहे लोगों की तरफ से बरती गई है और ये वारदात हुई इतनी बड़ी? जी देखिए, बिल्कुल, इसमें दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल जरूर खड़े होंगे। ये पूछा जाएगा उनसे कि क्या यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन के लिए जो बकायदा नॉर्म्स होते हैं क्या वो फॉलो किए जा रहे थे? जो बीट कांस्टेबल हैं जिनको बोला जाता है कि वो बार बार आके यहाँ पे देखेंगे सीनियर सिटीजन जो अकेले रहते हैं, क्योंकि इनके बेटे भी हैं, करीबन 60 साल उनकी उम्र है, लेकिन वो परिवार से दूरी बना के रहते थे इसलिए यहाँ पर वो नहीं थे। जब जो महिला थी जिनको अनकॉन्शियस किया गया है, जब वो सुबह 5 बजे उठी है रविवार को इस वारदात के बाद, जब उन्होंने देखा कि उनके पति घर में नहीं है, तब उन्होंने अपने बेटे को इस घटना की जानकारी दी है। और रविवार 8 बजे दिल्ली पुलिस यहां पर पहुंची है। करीबन 3 बार यहां पर फोरेंसिक टीम आके जा चुकी है तमाम घर का जो मौका मुआयना करके। पुलिस का कहना है कि कुछ लीड मिले हैं और शाम को इस पूरे मामले में पुलिस खुलासा करने का दावा कर रही है, लेकिन फिर से सवाल वही खड़ा होता है कि बेहद पॉश इलाका है यहाँ पर, उस तरह से यहाँ पर अगर किडनैपिंग होती है वो भी फ्रिज के अंदर, और यहाँ पे कुछ लोग चश्मदीद थे जिन्होंने देखा था कि गाड़ी यहाँ पर आ रही है, 4-5 लोग हैं। जानकारी के लिए और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है चिन्मय आनंद पर लगे आरोपों के बाद अब एसआईटी इन दोनों मामलों की जांच पड़ताल करेगी। 2 FIR दर्ज हुई है अब तक के, एक उस लड़की के परिजनों के खिलाफ जिन्होंने की ओर से दायर की गई है एक FIR जिसमें कि चिन्मय आनंद के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया गया है और दूसरे में एक्सटॉर्शन का मामला है। इन दोनों ही मामलों में अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट के निगरानी में ये एसआईटी दोनों मामलों की जांच पड़ताल करेगी। एहतिशाम हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। एहतिशाम, सुप्रीम कोर्ट की ओर से किस तरह का आदेश दिया गया है इस पूरे मामले में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी ये आदेश दिया है कि इस पूरे मामले की जांच और इसकी सत्यता क्या है इसका पता एक एसआईटी लगाएगी और वो एसआईटी यूपी सरकार को, यूपी पुलिस को बनाना है, जिसका हेड जो है वो इंस्पेक्टर जनरल रैंक का ऑफिसर करेगा और उनको एसपी रैंक के ऑफिसर असिस्ट करेंगे और ये एसआईटी ये पता लगाएगी कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं किसी भी व्यक्ति पर या फिर किसी इंस्टीट्यूशन पर, यानी कि जिस कॉलेज में वो छात्रा पढ़ती थी और चिन्मय नंदा पर जो आरोप लगे हैं उसकी सत्यता की जांच करेगी एसआईटी और अपनी रिपोर्ट वो इलाहाबाद हाईकोर्ट को सौंपेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये कहा गया है कि वो इस पूरे मामले की निगरानी करे और तफ्तीश को देखे कि तफ्तीश सही दिशा में चल रही है या नहीं और तब तक के लिए इस छात्रा को और उसके परिवार को सुरक्षा देने का भी आदेश दिया गया है। शुक्रिया एहतिशाम। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश, अब एसआईटी चिन्मयानंद मामले में जांच करेगी।